नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का जो आंकड़ा है वो मिनट दर मिनट बढ़ता जा रहा है। अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या 58 हो गई थी, लेकिन अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि दो और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल गए हैं और जो संख्या है वो 60 पहुंच चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ट्वीट है, ट्वीट किया गया है प्रधान सचिव संजय कुमार के तरफ से। उसमें लिखा गया है कि हैशटैग बिहार फाइट कोरोना, फर्स्ट अपडेट ऑफ द डे, टू मोर COVID-19 पॉजिटिव केसेस इन बिहार, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इज 60, वन फीमेल एज 10 ईयर ओल्ड एंड वन मेल 28 ईयर ओल्ड फ्रॉम द सेम फैमिली विलेज इन सिवान, केम इन टच विद द पॉजिटिव हु केम इन फ्रॉम ओमान। आप देख सकते हैं 8:20 पे ट्वीट उन्होंने किया है। ये आज 10 अप्रैल का शुरुआती आंकड़ा है, सुबह सुबह यह आंकड़ा सामने आया है। तो जो सिवान में ओमान से लौटा शख्स था उसने दो और लोगों को पॉजिटिव करा दिया है और जांच रिपोर्ट में दो और लोग सामने आए हैं। ये उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली के वो लोग थे। तो कुल 27 और 2 29 मामले सिर्फ और सिर्फ सिवान से सामने आए हैं और भी बहुत सारे ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं। सिवान में जो नवोदय विद्यालय है वो जांच सेंटर बनाया गया है वहां पर, और वहां पर ब्लड सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजवार गांव जिससे ये पूरा शुरू हुआ है, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई है सिवान में, उस गांव से 100 लोगों को ले जाया गया था बसों में भर भर करके नवोदय विद्यालय में जांच कराने के लिए, उनके ब्लड सैंपल्स को लेने के लिए। उसके बाद अब रिपोर्ट आनी शुरू हुई है तो रिपोर्ट काफी डराने वाली है। पहले 27 लोग सिर्फ सिवान में इन्फेक्ट हुए थे, अब दो और आंकड़ा बढ़ चुका है, मतलब कि 29 लोग सिवान में इन्फेक्ट हो चुके हैं। और पूरे बिहार की अगर हम बात कर लें तो आंकड़ा पहुंच गया है 60 तक, अब 58 नहीं रहे, 60 हो गया है। हर मिनट हर घंटे अपडेट आ रहे हैं और हर घंटे मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ जा रही है कोरोना पेशेंट्स की। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए चिंता का विषय है। अगर हम बात कर ले पूरे बिहार की तो पूरे बिहार में अब 60 हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं और बेगूसराय भी इसका गढ़ बनता जा रहा है। तो जो गुरुवार का दिन था वो बिहार के लिए काफ़ी परेशान वाला दिन रहा। 19 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जो 19 पॉजिटिव मिले थे उसमें 17 सिवान के थे, इनमें 9 एक ही परिवार के थे। फिर बाद में आंकड़ा बढ़ता चला गया और सिवान में कोरोना संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। लेकिन आज 10 अप्रैल को यह खबर आ रही है सुबह सुबह कि दो और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो कि उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो जो पहले संख्या 58 थी अब वो बढ़ करके पहुंच गई है 60। सिवान के बाद बेगूसराय, वहां पे भी 5 पॉजिटिव मिल चुके हैं जिसमें कि 4 तबलीगी जमात से लौटे हुए बताए जा रहे हैं। दो दो करके 2 बार पॉजिटिव मिले और उसके बाद एक उससे पहले मिल चुका था। तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या वहां पर अभी 5 है, लेकिन जो जांच रिपोर्ट भेजी गई है, जो जांच कराने के लिए लोगों का सैंपल भेजा गया, 10 और सैंपल का वेट किया जा रहा है कि आखिर उसमें क्या कुछ आता है। फिलहाल ये बड़ी खबर बिहार के लिए कि बिहार में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 60 हो चुकी है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।